क्या हुआ? हे पार्थ, इन चरणों में ही आपका स्वर्ग है। भाई ये बहुत लोग देखेंगे, भाई ये बहुत लोग देखेंगे, पहले बता दो। हेलो हेलो बच्चों सुनो, ये बहुत लोग देखेंगे, ये ब्लॉग डालूंगा मैं, ये ब्लॉग डालूंगा मैं, बहुत लोग देखेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। रुपए तेरी आपका वध करने के लिए किसी शस्त्र की भी आवश्यकता है। इस पंख के से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। मुझसे इससे आपको सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, स्वयं श्री करण सिंह चौहान जी, जिनके चरणों का पानी पीकर ही आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, गलत चीज, इधर उधर पैर नहीं मार इस तरह के अभद्र। आपका वध करने के लिए मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, इस पंखे से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। अरे अरे इस तरह के अभद्र व्यवहार के लिए नर्क में चलोगे, आपके चरण आपके हाथों में आ जाएंगे। हे मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि जिसके तुम रूममेट हो वो नारायण का प्रतिरूप है। हमारे गुरु ने हमें ये गुरु ज्ञान दिया है, उनका नाम है नहीं, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ब्लॉग बन रहा है। हमारा ही नाम है। जो ब्लॉग बना रहे हैं उन स्वयं श्री 108 पर प्रकाश मिश्रा जी के बारे में भी आप नहीं जानते। वही इस सृष्टि के विनाशक है और मैगी बनाने वाले ही रचयिता है। त्रिदेव आपके रूम में रहते हैं, इधर का नाम त्रिदेव आपके कमरे में है। स्वयं हम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि हमारे पानी हमारे चरण धोकर हम आपके लिए पूजनीय है। हम आपके लिए पूजनीय है जो छाती में लात मार दी थी, आज आप मुझे अपने पेट से हटा रहे हो, याद रखना इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। एक ऋषि थे जिन्होंने छाती पे लात मार दी। बामन अवतार लूंगा और आपके सर पे अपना पैर रख दूंगा और उसी में पूरी दुनिया समझ जाएगी, आपके कान फट जाएगी। राजस की फटने वाली कहानी चौधरी, और ये देख रहे हो आप, तेरी गांड में दूंगा, मेरे पास उतना बड़ा छेद नहीं है। बोलो ये सही था गुरु। आपका क्रोध ही आपके विनाश का कारण है। डेंजर में से टी हटा दो तो एंगर बचता है। बस टेंशन में से टी हटा दो एंगर किस बचेगा? डेंजर कहां उड़ गया है तू? नारायण ने बोला है तो सही होगा। नारायण की इच्छा का अवज्ञा करोगे? याद रखो तुम किसके सामने खड़े हो। जिसने पूरी दुनिया बनाया, जिसने सूर्य बनाया, जिसने आकाश बनाया, उसने बिस्तर भी बनाया और आप उसी के बिस्तर से हटा रहे हो। आप तो हमारे गरुड़ की तरह हो। फिर से क्या बोला? आज से आप हमारे वाहन हो, कंधे में बिठा के जलंधर कैंट स्टेशन तक आप ही हमें ले जाओगे। उंगली कट जाएगी तेरी, जब हमने अपने भाई कहीं भी उंगली दे देता है। कृष्ण जी का भाई को था बलराम? नहीं, अरे वो जिसको मारा था, कौन मार दे? जिस तरह शिशुपाल के मारने में कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, उसी तरह आपको मारने पे भी हमारी उंगली कट सकती है, इसलिए हम आपका वध अभी नहीं करेंगे। जब आपकी स्टॉप आप पूरे हो जाएंगे तब हम आपका वध कर देंगे। पेट में दर्द हो गया अभी आपके, और भी कई कई जगह दर्द होगा। पार्थ, हे पार्थ, इन्हें थोड़ी बुद्धि दो, इन्हें अपने साथ रखो, इनको रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। आज आप समझ गए क्यों? छोड़।